तो भाई लोगों, मिर्जापुर का सीजन 3 हम लोगों को अब जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा काफी भाई लोग आप लोगों को बता रहे होंगे। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने मिर्जापुर के सीजन 3 के रिलीज डेट अपडेट के ऊपर बात की थी। जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को अब जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सोर्स और जो अपडेट अब निकल के आया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई रशिका दुग्गल ने ये चीज बिल्कुल कंफर्म कर दी है कि उनकी जो शूटिंग का काम है, फिल्मिंग का काम था, वो पूरी तरह से Which means कि complete हो चुका है। और वो अपने Instagram की स्टोरी पर हम लोगों को आए दिन मिर्जापुर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। और उन्होंने अब यह बताया है कि भाई उनकी जो शूटिंग का काम है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। और इस चीज से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि भाई रशिका दुग्गल का जो सीजन 3 के अंदर किरदार निभाने वाली है वो बहुत ही छोटा सा है, जो कि इतनी जल्दी कम्प्लीट भी हो गया। अब रही बात दूसरे अपडेट की, तो दूसरा अपडेट है हमारे अली फजल से रिलेटेड। हालांकि आप लोगों को कुछ दिन पहले पता भी होगा कि अली फजल ने अपनी वेडिंग शादी की है, जिसके चलते वो मिर्जापुर के सीजन 3 की शूटिंग को उन्होंने थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि मैं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर हूँ और मुझे अभी शादी करनी है। लेकिन हाँ, अब ये बताया जा रहा है कि भाई अली फजल वापसी लौट आए हैं अपने सीजन 3 की शूटिंग के लिए। और जिनकी शूटिंग का जो काम है कम्प्लीट, मैक्सिमम ये बताया जा रहा है कि वो दिसंबर 15 तक इनकी शूटिंग चल सकती है। अब यहाँ पर अब आप मान सकते हो कि यार ये हम लोग को 2022 में तो बिल्कुल भी कतई नहीं देखने के लिए मिलने वाला, बल्कि इसे इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को और भी 4 से 5 महीने का, क्योंकि फिल्मिंग जो कंप्लीट होगी ना वो जनवरी 2023 तक तो कंप्लीट होनी ही होनी है। उसके बाद होगा इसका एडिटिंग वगैरह का काम, पोस्ट प्रोडक्शन का काम, जिसके अंदर अप्रोक्स 3 से 4 महीने लग जाने हैं। आप मान के चल सकते हो कि गाइस ये हम लोगों को 2023 की अगस्त से पहले पहले देखने के लिए मिल जाए। अब यहाँ पर मुझे काफी भाई गाली भी देंगे और काफी भाई डिसअपॉइंट होंगे कि यार हम इस सीरीज को देखते ही नहीं, बहन जो इतना टाइम लग रहा है, साला इतने दिन से इंतजार करते आ रहे हैं इसके सीजन 3 का, और ये अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो वो भी 4 से 5 महीने के बाद भी, ओनली ऑन Amazon Prime। तो भाई यही अपडेट निकल के आया था, तुम्हारे भाई ने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। अपडेट किसी लगी एक बार कमेंट में बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों को इस चैनल पर यही सभी चीज, यही अपडेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा से रिलेटेड अपडेट जानना अच्छा लगता है ना, तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मेरे मेन चैनल पर विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा ऐसी रोचक जानकारी की अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।